विधानसभा के बाहर यूथ कांग्रेस पर हुए लाठीचार्ज पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कमजोर रहा या फिर यूथ कांग्रेस को बड़े नेताओं का साथ नहीं मिल पाया? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह शुरुआत में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या बल के साथ जमा हुए थे, वे बाद में गायब हो गए। हुआ यूं कि जैसे जैसे ये काफिला विधानसभा की ओर बढ़ा, विधानसभा पहुंचते पहुंचते ये संख्या बल अचानक कम हो गया। कांग्रेस के कुछ दिग्गजों ने शुरुआत में यूथ कांग्रेस का साथ दिया और प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन कुछ देर बाद का नजारा ऐसा था कि यूथ कांग्रेस अलग अलग पड़ती दिखाई दी। यूथ कांग्रेस की जितनी उम्मीद थी शायद बड़े नेताओं का उतना साथ नहीं मिल पाया। नतीजा ये रहा कि प्रदर्शन कमजोर पड़ता देख पुलिस ने लाठियां बरसा दी। इस लाठीचार्ज में निगम भंडारी समेत कई कार्यकर्ता निशाने पर आए। लाठीचार्ज के बाद कार्यकर्ता तितर बितर होते भी दिखे। मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगा, आप देख लीजिए, पिछली जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हिमाचल प्रदेश में हर घर से एक युवा को रोजगार देंगे। हुआ क्या? रोजगार देना तो दूर की बात, 15 से 20 लाख युवा बेरोजगार है। बेशक यूथ कांग्रेस सरकार पर आवाज दबाने के आरोप लगा ले, लेकिन कहीं ना कहीं मानो कमी बड़े नेताओं की ओर से भी रही, क्योंकि आंदोलन के वक्त सभी को विरोध जताने और इकट्ठा होने के निर्देश दिए थे, लेकिन ऐन वक्त पर यूथ कांग्रेस बिखरती नजर आई। सदन के अंदर तो इसको लेकर आवाज उठी, लेकिन अगर विपक्ष के नेता सदन के बाहर भी पूरा साथ देते तो शायद प्रदर्शन इतना कमजोर ना होता दिखता। यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दे भी पुरजोर तरीके से उठते। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।